वो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। और सर ने ओरा में जो रिसर्च किया हुआ है, ओरा मीन्स हमारा एनर्जी सर्कल, हमारे आजू बाजू जो हवामंडल तेजो वाले जो होता है, और हमारे शरीर के अंदर का एनर्जी सेंटर्स जो चक्र हम कहते हैं, वो चक्र के ऊपर भी वो हीलिंग करवाते हैं। एक्चुअली सब हीलिंग मॉडलिटीज है, और सर का मेन जो रिसर्च है वो सभी धर्मों पे है। उन्होंने जैन धर्म पे, हिंदू धर्म पे, जैन मुनियों पे, सब की एनर्जी पे रिसर्च किया हुआ है, और बहुत सारा ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो उन्होंने यूट्यूब पे भी रखा है, तो हम उनको जान सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हमें उनको अपनाना चाहिए, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो रिसर्च है, क्योंकि 25 साल से जो रिसर्च कर रहे हैं, 22 साल का उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो देते हैं, उनको हमें अपनाना है, ताकि हम अपनी लाइफ को भी इतनी आसानी से, अपनी एनर्जी को हम अपग्रेड कर पाए, अपनी एनर्जी को हम पॉजिटिव बना पाए, हमारे चक्र को हम बैलेंस कर पाए। ओरा में तो उनका रिसर्च है ही है, उनका कर्मस में, पास्ट लाइफ के एनर्जीज में, और बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटीज वो सिखाते हैं। आज हम रियली हम ब्लेसफुल है, हमें इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर का नॉलेज हमें आज यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो आइए हम सर का वेलकम करते हैं, सर को इनवाइट करते हैं आज के टॉपिक के लिए, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पे हमें जो ज्ञान देने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। तो सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस ओके गुड। सो लेट अस स्टार्ट विद मेडिटेशन। हम लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। एवरीवन जस्ट क्लोज योर आईज। सांसों के ऊपर ध्यान देना है। फोकस ऑन योर ब्रेथ, एक्सपीरियंस दिस साइलेंस। सेंटर योरसेल्फ। Invoke to God, Goddesses, your Guru, whomsoever you believe it, your higher self, angels, विचार आते हैं तो आने दीजिए। लेट थॉट कम एंड गो अवे।
नो नीड टू पे एनी अटेंशन. Just be aware about your breath and yourself. Just feel your energy. Few more minutes. आईज विल रिमेन क्लोज, आंखें बंद ही रहेंगी कुछ समय तक. फील योरसेल्फ, बी विद योरसेल्फ फॉर फ्यू मिनट्स. All the divine energies are around you. Energies of God, Goddesses. Of your Guru. As I count from 1 to 5, slowly open your eyes. 1, 2, 3, 4, and 5. You can slowly open your eyes. So how did you feel? कैसा लगा? Peaceful. Peaceful? Enjoy? मजा आ गया. So बहुत beautiful topic है. This is aura.
काफी कुछ हमने पहले के वीडियोस में कवर कर लिए हैं कि आभा मंडल ऑरा जैनिज्म में इसको लेशिया कहते हैं, राइट, काफी लोगों को पता होगा। ऐसे तो 163 एप्लीकेशंस है आभा मंडल ऑरा के, तो हम उसके कुछ एप्लीकेशंस आज डिस्कस करेंगे आभा मंडल के। एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ जब मैं फील कर रहा था कि जो भी जैन तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर है उन लोगों की जो एनर्जी है वो एनर्जी काफी हद तक यहाँ पे हम उसको फील कर सकते हैं, काफी हद तक हम उनको महसूस कर सकते हैं उस एनर्जी को। सो हम क्या करेंगे आज उस जैनिज्म की जो फिलोसॉफी है, जो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के आधार पे हम अपने आप को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है हर रिलीजन के पीछे एक बिलीफ सिस्टम होती है। डू यू एग्री? एम आई राइट? बिलीफ सिस्टम बुद्धिज्म है, इस्लामिक है, क्रिश्चियनिटी है, इट्स अ बिलीफ सिस्टम एंड दैट्स अ सिलेबस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू कवर ऑल दिस डिफरेंट डायमेंशंस, राइट? What is the reason to come in oneness? है ना, हम एकता में आ जाए करके। तो हम ये जितने भी ऑरा के जो अलग अलग लेयर्स हैं, कलर्स हैं, ऑरा के टाइप्स हैं, ये सारे चीजों के हम अभ्यास करना चाहते हैं। वी नीड टू स्टडी ourselves, द होल लाइफ, नॉट ओनली ऑफ दिस प्रेजेंट लाइफ, सो मेनी लाइफ, इट इज जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी। हम जितना भी जन्म लेते हैं, जितने भी जन्म लेते हैं, हम अपनी आप का अभ्यास करने के लिए लेते हैं, दुनिया को समझने के लिए नहीं। लेकिन बिकॉज वी कांट गो इनसाइड, वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड आउटसाइड, है ना? हम अंदर जा नहीं सकते। अभी 2 मिनट मैंने आपको मेडिटेशन 5 मिनट करवाया, कितना मुश्किल हो गया, है ना? ध्यान नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, चित्त भटकता है, मन भटकता है, बाहर भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि बचपन से हमें ये आदत डाली गई है, हमें बचपन से पेरेंट्स ने बताया कि ये देखो ये पंखा है, ये लाइट है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द वुड, दिस इज द कैमरा, दिस इज अ स्टैंड, दिस इज अ चेयर। तो हमारी जो विजन है ना वो बाहर के लिए ज्यादा है, अंदर के लिए हमारी विजन कम है। तो जैनिज्म में एक बहुत खास चीजें को बताया गया, वो आज मैं आप लोगों से जो भी मेरा और रिसर्च है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसे कहते हैं अहिंसा। डू यू एग्री? तो व्हाट इज दिस अहिंसा? नॉन वायलेंस, इज इट राइट? नॉन वायलेंस, किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को हानि पहुंचाना नहीं, उसको अहिंसा कहते हैं, राइट? और अहिंसा को पालने के लिए हमें एक चीज चाइनीज अपने सबसे ज्यादा करवाते हैं और दैट इज फास्टिंग, उपवास। लेकिन अभी तक हमें यह लगा कि उपवास का मतलब खाना त्यागना। आज मैं आपको बताता हूं फास्टिंग का मतलब क्या होता है। ऑरा के रिसर्च के मुताबिक फास्टिंग का मतलब यह होता है कि नो थॉट्स, नो माइंड, नो बॉडी कॉन्शियसनेस, इज इट राइट? नो इमोशंस, दैट इज एक्चुअली द रियल फास्टिंग। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह से रात तक मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन सोचा तो है कि नहीं, विचार तो आए कि नहीं, भावनाएं तो आई कि नहीं, इमोशंस तो आए कि नहीं, तो ये फास्टिंग में गिना नहीं जाता, वेरी ऑनेस्टली। और फास्टिंग क्यों किया जाता है जैनिज्म में, बुद्धिज्म में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बुद्धिज्म में बाय डिफॉल्ट माइंड की फास्टिंग करवाते, बॉडी की नहीं करवाते। जैनिज्म में बॉडी की फास्टिंग करवाते हैं। जब आप फास्टिंग करते हो आपकी एनर्जी पूरी कॉन्सेंट्रेट होती है हार्ट चक्र पे, जब आप खाना खाते हो आपकी एनर्जी फोकस्ड होती है मणिपुर चक्र पे, नाभि चक्र पे। तो आपका अटेंशन फूड पे रहता है, डाइजेशन पे रहता है, एक्शन पे रहता है, मैनिफेस्टेशन पे रहता है। लेकिन जब आप फास्टिंग करते हो और जब खाना ही अंदर नहीं जाता तो धीरे धीरे आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस मणिपुर चक्र से हार्ट चक्र पे आती है और हार्ट चक्र पे यहां से शुरू होती है रियल सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, जिसको तीर्थंकरों ने कहा जाति स्मरण, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे जन्म क्यों है। महावीर स्वामी ने 513 जन्म देखे पास्ट लाइफ में, बुद्धा ने 649 पास्ट लाइफ देखी, कुछ तो रीजन होगा कि नहीं, इज इट राइट अमाउंट।
हम कभी कहते हैं कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बिलीव नहीं करते, कभी हम कहते हैं गड़े मुर्दों को उखाड़ना क्यों, पास्ट लाइफ लेके क्यों टाइम वेस्ट करना, एवर राइट और काफी लोगों की बिलीव सिस्टम है, मेरी भी 12 साल तक थी, क्योंकि एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं मानता ही कि पास्ट लाइफ कुछ होती है करके। तो 98 से लेके मैं 2000 तक मैं पास्ट लाइफ को 2010 तक बिलीव ही नहीं करता था। 2010 में मैंने पास्ट लाइफ देखना शुरू किया, उसके पहले भी एक बार देखा था लेकिन मुझे लगा शायद ये इल्यूजन था करके, लेकिन 2010 में मैंने एक्चुअली उसका रिसर्च शुरू किया और मैंने देखा कि जैसे जैसे हम पास्ट लाइफ में जाते हैं हमारी ये अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, और इस चेतना के मुताबिक हमारी एनर्जी होती है। इज इट राइट? सो कॉन्शियसनेस इज अ डिफरेंट, एनर्जी इज अ डिफरेंट। एनर्जी हमारी रूट मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक होती है और हार्ट चक्र से क्राउन चक्र तक कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, ये चीज ध्यान में रखना। तो जब हम अलग अलग जन्म में अलग अलग रिलीजन में धर्म में जन्म लेते हैं, रिलीजियस में धर्म हमारा होता है, कुल में जन्म होता है, हमारी कॉन्शियसनेस अलग है, सिलेबस अलग है, तो हमारी बिलीफ सिस्टम अलग है और उस हिसाब से हमारी एनर्जी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं और हम लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो पर्पस क्या है अलग अलग धर्मों में जन्म लेने का? जैसे हम इंडिया में बच्चों को ना कभी महाराष्ट्र बोर्ड में डालते हैं, कभी कैम्ब्रिज बोर्ड में डालते हैं, कभी आईसीएसई में डालते हैं, दिल्ली बोर्ड में डालते हैं, मतलब उसी स्कूल में अलग अलग लेवल होता है। आपके यूएस में भी होता होगा, है ना, आईजी बोर्ड अलग अलग होता है। तो क्यों ऐसा करते हैं? अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये जो हमारे अलग अलग इमोशंस है, अलग अलग कॉन्शियसनेस है, इसका जब हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं तब क्या होता है, हमें कुछ तो हमारी नाड़ियां खुलती है, कुछ हमारे चक्रस खुलते हैं, कुछ हमारी मेरिडियंस खुलते हैं, कुछ हमारे सेल्स ओपन होते हैं, और ये जो ओपन होते हैं तब हमारा आभा मंडल ऑरा एक्चुअली देखा जाएगा तो अलग अलग लेयर्स में कुछ ना कुछ एड ऑन होता है, व्हाइट लाइट फोटॉन्स एनर्जी आती है, ऑरा का मतलब है फोटॉन्स एनर्जी। तो हमने साइंस में क्या सीखा था, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, हमने इतना ही सीखा था कि नहीं? साइंस में तीन चीज सीखी थी, ऑरा इज फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब लाइट होती है। तो हमारे दो एटम्स के बीच में कौन सी एनर्जी है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी एनर्जी है, दो सेल्स के बीच में कौन सी एनर्जी है, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन सी एनर्जी है, हमारे लिम्फैटिक में कौन सी एनर्जी है, हमारे ब्लड में कौन सी एनर्जी है, ये देखना ऑरा का काम है। फियर है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, एंगर है, रिवेंज है, ये हमें ऑरा में स्टडी करना होता है। इज इट राइट? तो जैनिज्म क्या करवाता है, आपको शरीर से उपवास करवाता है फिजिकल ऑरा स्टडी करने के लिए, फिर आप शांत हो जाते हो तो माइंड के ऑरा के लेयर में जाते हो, जब आप इमोशन से काम डाउन होते हो तो आप इमोशनल लेयर को समझने की कोशिश करते हो, राइट? और जब आपका बॉडी माइंड इमोशन तीनों शून्य लेवल पे आता है तब आपको परमात्मा का साक्षात अनुभव होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है। इज इट राइट? डायरेक्ट आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता जब तक आपके ये सारे अलग अलग ऑरा के लेयर आपके क्लियर नहीं होते। आपको ये फोर फिजिकल लेयर्स, मेंटल लेयर, इमोशनल लेयर, ये पहले ये छह लेयर्स को आपको काम डाउन करना है, ट्रैंक्यूलाइज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक हमारा कोई भी फोटॉन्स एक्टिव है, फिजिकल एक्टिव होता है तो क्या होता है, भूख लगती है, कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है, जलेबी खाना है, ये खाना है, लंच लेना है, डिनर लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, राइट? तो फिजिकल एक्टिविटीज चालू रहती है, तो फिर आपका आत्मा में ध्यान कहां से लगने वाला है? आपके थॉट्स आते रहते हैं, मुझे यहां जाना है, इसके बाद यहां जाना है, इसको अटेंड करना है, इसको मेल करना है, इसको मैसेज करना है, इसको रिप्लाई करना है, तो मेंटल ऑरा एक्टिव है आपका। इज इट राइट? आपके कुछ कुछ लोगों से अटैचमेंट ज्यादा है, यू आर मोर पैनिक फॉर दोज पीपल, आपको एंजाइटी है, तो आपके इमोशंस है, तो फिर आपको आत्मा का दर्शन कहां से होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले फोर फिजिकल इंटरनल लेयर, देन फिफ्थ मेंटल लेयर, मेंटल लेयर, इमोशनल लेयर, ये सबको शांत करना है और स्पिरिचुअल लेयर के अंदर जाना है, स्पिरिचुअल आपा मंडल में जाना है। समझ गए? महावीर बुद्ध इन लोगों को भी इतना ही समय लगा था उस स्पिरिचुअल ऑरा में जाने के लिए। और जब आप अपने स्पिरिचुअल ऑरा में जाते हो तो उससे फिर क्या होता है, आपको रियली जिसे हम कहते हैं ना इंद्रधनुष, विप्योर, विप्योर सुना है कि नहीं फिजिक्स में आपने, है ना,
हम रेड से लेकर वायलेट कलर तक एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हमारे जो चक्रस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है उसको हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसा है मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहीं पे चल रहा हूं, कुछ एक्शन कर रहा हूं, तो मैं रेड एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता हूं, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकता हूं अगर मैं एक्शन में हूं तो, इज इट राइट। अगर मैं कहीं ना कहीं इमोशंस में हूं तो मैं ऑरेंज कलर की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता हूं, राइट। और अगर मैं कहीं ना कहीं पैशनेट हूं, एनकरेज्ड हूं, सेल्फ एनकरेज्ड हूं, तो फिर मैं येलो कलर की एनर्जी क्रिएट कर सकता हूं, इज इट राइट। और कभी अगर मुझे आप लोगों से किसी से प्यार होता है, मुझे बहुत अनकंडीशनल लव क्रिएट होता है, तो मैं ग्रीन कलर की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता हूं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं तो मैं स्काई ब्लू कलर के थ्रो चक्र के ऑरा एनर्जी को एक्सपांड कर सकता हूं, इज इट राइट। अगर मैं कहीं ना कहीं नो माइंड स्टेट पे गया विदाउट एनी थॉट, तो मैं इंडिगो कलर को एक्टिवेट कर सकता हूं। और अगर मैं ये माइंड और बॉडी से टोटली इमोशन से फ्री हो गया, तो मैं वायलेट पर्पल कलर को भी एक्टिवेट कर सकता हूं। तो मुझे बताइए किसके हाथ में, ये किसके हाथ में, आपके हाथ में, इज इट राइट। जैसे आप ये सारे जो गुरुज हैं, श्रीमद रामचंद्र है, दादा भगवान है, या ये सारे जो तीर्थंकर है, इनके आभा मंडल में जब आप आते हो या इनका जब आप स्मरण करते हो, तो आप बेसिकली एक्चुअली शून्य में चले जाते हो। आपको कोई इच्छा ही नहीं होती, मटेरियल कोई इच्छा ही नहीं होती है, आप एकदम क्या कहते हैं वैराग्य की अवस्था में चले जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं है, इज राइट। लेकिन उनके आभा मंडल से जैसे आप बाहर आते हो, मंदिरों से, गुरुओं के सानिध्य से बाहर आते हो, वापस आप अपनी मटेरियल वर्ल्ड में जाते हो। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाहर की दुनिया 99% कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज ओनली मेड फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर द बिजनेस, फॉर प्रोफेशन, टू मेक द मनी, टू अचीव योर गोल्स एंड विशेष मैनिफेस्टेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको कैसा है, चॉइस क्या है, 1% में रहना है या 99% की क्राउड में रहना है, ये आपकी चॉइस होती है, राइट। हमारी चॉइस है करके, जैसे मैं 1% के अंदर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुझे पानी भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, कपड़े भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जैसे दिगंबर जैन कैसे होते वैसे करके, इज इट राइट। लेकिन जैसे 1% से मैं उस बाउंड्री को क्रॉस करता हूं, तो मैं धीरे धीरे वापस उस दुनिया में जाता हूं जहां पे मैनिफेस्टेशन से, जहां पे सारे लोग कुछ ना कुछ भाग दौड़ में लगे हैं, कुछ ना कुछ सपने पूरे करने में लगे हैं। तो चॉइस किसकी है मुझे बताइए, किसकी है? तो आप मुझे एक चीज यहां बताइए कि अगर सिर्फ आत्मा में रहने के लिए ही अगर इंसान आया है, तो फिर ये दुनिया में इतनी सारी चीजें क्यों है, या इतने धर्म क्यों है, या इतनी वस्तुएं क्यों है, इतने ऑब्जेक्ट्स क्यों है, मुझे बताइए, व्हाट इज द रीजन, टेल मी। मतलब जरूरत ही क्या थी, ये टीवी बनाना, ये स्पीकर बनाना, ये बनाना, गाड़ी बनाना, घर बनाना, ये जरूरत ही क्या थी? क्रेविंग्स। ओके, यस, एनी मोर आंसर? एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट एनर्जी, ओके, सो देयर मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट, या सो दैट वुड गिव राइज टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, वेरी नाइस, यस। और कोई आंसर? सी, कितने अच्छी तरह से अभी हम समझा सकते हैं बिकॉज हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया। यस, एनी मोर आंसर? वी आर लिविंग जस्ट विद द लाइफ पर्पस। वी आर लिविंग विद द लाइफ पर्पस, वेरी गुड। यस, सी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हम अगर धरती पे आए हैं, मतलब हम स्कूल में आए हैं, और अगर कोई भी स्कूल में आता है तो उसे अभ्यास करना पड़ता है, उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, इज इट राइट। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अब वो स्कूल में ही रहे। जैसे घंटी बजती है ना स्कूल की, 12 बजे स्कूल चालू होती है, 6 बजे खत्म होती है, घंटी बजती है, लोग भागते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, इज इट राइट। तो हमें भी भागने के लिए तैयार रहना है। हमने उस चीज का एक्सपीरियंस ले लिया, हमने टेस्ट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले लिया, हमने 5 senses का एक्सपीरियंस ले लिया, हमने मोटर गाड़ी, घर, बंगले, हर एक का एक्सपीरियंस ले लिया। अब उसे अटैचमेंट नहीं रखना है, अब उससे बाहर आ जाओ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंसेस यू आर ऑन द अर्थ, सिंपल चीजें हैं। डोंट गिव अटैचमेंट, नॉट विद द ऑब्जेक्ट, नॉट विद द सब्जेक्ट। आपने बच्चे भी पैदा किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे अटैचमेंट रखो, दिन रात उसको पूछो अब तेरा क्या चल रहा है, आर यू ओके बेटा, आर यू ओके। मतलब जितने इमोशनल रहोगे इतने डिस्चार्ज हो जाओगे, इतनी ड्रेन हो जाओगे,
चीज ध्यान में रखना, और जितना कॉर्ड कट करोगे, जितना डिटैच रहोगे आप अपने सेल्फ के साथ रहोगे, इतना आपका जाति स्मरण होगा, है ना। बिकॉज ये सारा एक वेब है, ये सारा वेब है, ऑरा का एक वेब है। आपका कोई भी आभा मंडल, कोई भी ऑरा की लेयर, किसी भी इंसान, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉर्ड कनेक्ट नहीं चाहिए, अदरवाइज वो आपको ड्रेन कर सकता है। इज इट राइट ऑर नॉट? किसी भी चीज से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो आभा मंडल ओवल शेप का है, वो सभी सातों लेयर ओवल शेप के चाहिए। कोई भी एक भी लेयर अगर किसी भी तरह से किसी कॉर्ड कनेक्शन में है, मैं यहाँ पे उपवास कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, और मेरा ध्यान किसी जलेबी फाफड़े पे है, तो मेरा कॉर्ड कनेक्ट है कि नहीं वहां पे? इज इट राइट? तो वो कॉर्ड कनेक्ट क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस को एक्टिवेट करेगा, मेरे गॉल ब्लैडर को श्रिंक करेगा, और उसमें से डियोडिनम में गैस्ट्रिक जूस आ जाएगा। अब फूड आया नहीं, डिजायर आ गई, तो एसिडिटी क्रिएट हो गई। समझना है कि नहीं? राइट? तो ये समझना है कि पहले आप डायरेक्ट फूड का कभी भी उपवास मत करना, पहले आप माइंड का उपवास करना सीखो, इमोशंस का उपवास करना सीखो, फिर फूड का उपवास करो। क्योंकि फूड को रेस्ट्रिक्ट करना, अंदर नहीं जाने देना, ये आपके हाथ में है, लेकिन आपके विचार जब तक आपके हाथ आपके कंट्रोल में नहीं आते तो ये उपवास माना नहीं जाता। इज इट राइट और नॉट? और आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो ये जनरेशन है, ये लॉजिकली समझते हैं कि जो चीज हम नहीं कर सकते ना हम नहीं करेंगे। हम कहते हैं अरे आरती करो, गुरु के जाके पैर पढ़ो, नवकार मंत्र बोलो, भक्तावर बोलो, ये करो वो करो, लेकिन नहीं करेंगे। आइदर हमें साइंस समझाओ या पहले हमें उस स्टेट में आने दो, तब हम जाके करेंगे। हम साइंस समझा नहीं सकते इस आभा मंडल का, तो हम उनको कैसे मतलब फोर्स तो नहीं कर सकते, डोमिनेट तो नहीं कर सकते कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? अब ये जो ऑरा की जो हमारी स्टडी है, ये हमें क्लियर कट बताती है कि हर एक कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, हर एक कलर। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लिवर है, मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आपका जो लिवर है, ये लिवर का कौन से साइड में होता है? राइट, राइट के लेफ्ट में होता है? कहां पे होता है? राइट में होता है, यहां पे लिवर होता है, और ये लिवर के पास में होता है आपका मणिपुर चक्र। इज इट राइट? तो मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है, लिवर येलो कलर का होता है। जैसे आपने कुछ जंक फूड खाया, उस लिवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब कर दिया आपने, अब वो धीरे धीरे रेड हो जाएगा। तो अब कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी लिवर की? रूट चक्र से मिलेगी। तो बीमारियां कौन सी होगी? लिवर सिरोसिस, लिवर फैटी लिवर, ये सारी चीजें होगी। समझ में कि नहीं? हमें किसी भी ऑर्गन सिस्टम को उसी फ्रीक्वेंसी में रखना है या उसकी हायर फ्रीक्वेंसी में रखना है, उसको लो फ्रीक्वेंसी में आने नहीं देना है, ये चीज ध्यान में रखना। जितने भी महिलाओं को फाइब्रॉइड होती है, सिस्ट होती है, ये ट्यूमर्स होते हैं, बिकॉज वो लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, रूट चक्र मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी में या उसके भी नीचे की फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। टेंशन के वजह, वरीज के वजह से, फियर के वजह से, होल्डिंग के वजह से, कुछ होल्ड करते हैं ना, तो ग्रेविटेशनली आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे चले जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका मूलाधार रूट चक्र यूट्रस की फ्रीक्वेंसी 1.7 हर्ट्ज चाहिए, अब टेंशन लेते हो तो 1.6 में जाएगा, फियर लोगे तो 1.5 में जाएगा, समझ में, कुछ होल्ड करोगे तो 1.4 में जाएगा, तो वहां पे फिर फाइब्रॉइड क्रिएट हो जाती है। राइट? आप सर्जिकली उस फाइब्रॉइड को निकाल भी लोगे, लेकिन अभी भी फियर उतना ही है, स्ट्रेस इतना ही है, होल्ड इतना ही है, तो वापस दूसरी फाइब्रॉइड बनेगी, है ना। कितनी मल्टीपल पीओसीडीज होते कि नहीं, कितनी बार सिस्ट होती है कि नहीं, इसी के वजह से। बिकॉज यहां जितने भी कलर्स दिखाई दिए हैं लोअर चक्रस के, उसके अंदर फियर, जलसी, इनसिक्योरिटी, एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, ये सारी चीजें हैं। और जैसे आप भगवान गुरुओं की सानिध्य में रहते हो, उनके आभा मंडल की सोच, डिवाइन सोच के साथ रहते हो, नॉट ह्यूमन माइंड विद द डिवाइन माइंड, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। तो आपके अंदर कौन से विचार आएंगे? अनकंडीशनल लव, सेवा, ये सारे विचार आ जाएंगे, त्याग, तपस्या, साधना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें आ जाएगी। इज इट राइट? तो आपको करना क्या है? सिर्फ शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप कहोगे शिफ्ट ही तो नहीं कर पा रहे हम लोग, हमें भी पता है कि भाई ये चीज गलत है हमारे लिए, और शिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे, इसका मैं अभी आपको समझाता हूं। कि पहले हम जब भी मेडिटेशन करेंगे या कभी भी हम खाली बैठे रहेंगे, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सी सोच मेरे अंदर है,
कौन से विचार सबसे ज्यादा है, कौन से इमोशन सबसे ज्यादा है, पहले तो इसका सेल्फ रियलाइजेशन करो। अब ये जो है इसको ट्रैक करना है, जैसे हम लोग कैसा है ना, डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर रहता ना, उसको हम डबल क्लिक करके प्रेस करते हैं तो हम कहां जाते हैं, सीधा उसकी हार्ड ड्राइव में जाते हैं, तो पता चलता है ये फोल्डर कहां पे था, ई ड्राइव में था, सी ड्राइव में था, डी ड्राइव में था, इज इट राइट, और उसका वॉल्यूम कितना है, उसका कंटेंट कितना है, उसमें वीडियोज है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, ये हम देखते हैं। तो आपको भी क्या करना है, एंगर है तो एंगर के अंदर जाओ और ये देखो कि गुस्सा कब से है मुझे, कौन सी चीज नहीं मिली इसके वजह से मुझे एंगर है, तो उस एंगर की आपको ट्रैकिंग करनी है और उसका ओरिजिन देखना है, जहां आपको समझ में आया हाँ मेरा गुस्सा उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई या मेरे अगेंस्ट में कुछ हुआ, और उसके बाद वो होता ही क्या, क्योंकि आपने उसको एक पैटर्न बना दी, इज इट राइट, एक लूप साइकिल बना दी आपने, समझ में आ रहा कि नहीं, तो वहां से आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है। तो जैनिज्म की जो फिलोसॉफी का क्या है, पहला फास्टिंग, सेकेंड सेल्फ रियलाइजेशन, थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फोर्थ थिंग इज देयर इज टोटली नथिंगनेस। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन विथ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस विल राइज योर कॉन्शियसनेस, ये फॉर्मूला हमेशा याद में रखना। कोई भी परिवर्तन आपके अंदर आता है और आप उसको साक्षी भाव से देखते हो और उसको कबूल करते हो कि हाँ अब ये परिवर्तन बहुत अच्छा है, मुझे इसका एक्सपीरियंस लेने दो, लेकिन विद डिटैचमेंट, समझ में, कैसे उसको एक्सपीरियंस लेने दो अवेयरनेस के साथ, तो आपकी कॉन्शियसनेस राइज होगी। तो उससे क्या होगा, पुरानी जो चीजों से आप अटैच थे उससे आप डिटैच हो गए और एक नया एक्सपीरियंस आपने लिया, इज इट राइट, और कुछ समय के बाद जो नया एक्सपीरियंस लिया उसकी कॉर्ड कटिंग करो, उसको डिटैच हो जाओ और एक नए एक्सपीरियंस के लिए आप तैयार हो जाओ, तो आपकी कॉन्शियसनेस राइज होगी। इट्स अ डिजिटल इंप्रूवमेंट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। आप रातों रात एनलाइटन नहीं हो सकते, रातों रात आपको मोक्ष निर्वाणा नहीं मिल सकता, इज इट राइट और नॉट। और सिर्फ हम लेमन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इवन बड़े बड़े संत साधु गुरुओं की भी जो मैंने ऑरा की है उनको भी मैंने काफी बार ऐसे गाइड किया है कि आपके ये लेयर में ये चीज कहीं ना कहीं अभी भी ब्लॉक है और कंजेशन है और इसको आपको ऐसे से डिसॉल्व करना है। तो वो कहते हैं कि मैं तो इतना सक्सेसफुल हूं, मेरे पास तो इतनी क्राउड है, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कुछ आपके पुण्य के वजह से ये क्राउड तो आ गई है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, किसी के पास भी अगर कंटिन्यूस वही क्राउड है, किसी के पास भी कंटिन्यूस वही ऑडियंस है, मतलब वो खुद भी कहीं स्टक है, ये चीज ध्यान में रखना। वो सब्जेक्ट पे स्टक है, वो लोगों से स्टक है, वो ऑर्गेनाइजेशन से स्टक है, कहीं ना कहीं वो खुद भी स्टक है। अब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसी लाइफ में वो सारे कट करें अपने कॉर्ड्स को और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें और फिर से शून्य से अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें, और या तो वो नेक्स्ट लाइफ में कुछ नया कॉन्शियसनेस लेके आए और नई कुछ साधना करें और नया कुछ अपने फॉलोअर्स क्रिएट करें, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम जितने भी ये गुरु देखते हैं, सतगुरु देखते हैं या श्री श्री रविशंकर देखते हैं या जितने भी लोग हम देखते हैं, ये लोग अभी कहीं ना कहीं एक बहुत प्योर कॉन्शियसनेस में है लेकिन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में, इसलिए उनके पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स है, कुछ इनकी टेक्निक्स है और वो उसी टेक्निक को फॉलो करवाते हैं हमें, राइट, ब्रह्म कुमारी वाले राजयोग करवाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले सुदर्शन क्रिया करवाते हैं, समझ में कि नहीं। तो ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हुई है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या आपको फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में रहना है या आपको शिफ्ट फ्रीक्वेंसी में रहना है, यू टेल मी, आपका चॉइस क्या है, आपको एक लाइफ में एक ही लाइफ जीनी है या एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ जीनी है, ये मुझे बताओ, आपकी चॉइस क्या है, कितने जन्म लेने हैं आपको, आपको नंबर ऑफ लाइफ को रिड्यूस करना है कि नहीं करना है। और इस कलयुग में ऑरा की स्टडी के हिसाब से वी ऑल आर हाइब्रिड सोल्स, मैं आपको हॉनेस्टली एक बताता हूं, हाइब्रिड सोल्स का मतलब क्या है, हम सब अलग अलग जन्म पहले जो ले चुके हैं, हमारे अंदर मल्टीपल कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है, हम कहीं ना कहीं महाभारत की लाइफ में भी थे, रामायण की लाइफ में भी थे, हम सब लोग अलग अलग लाइफ में थे, अगर आप पिछले जन्म में जाओगे आपको पता चलेगा, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। सो वी आर हाइब्रिड सोल्स। तो हाइब्रिड सोल्स का मतलब क्या होता है, हर जन्म में जो जो सिलेबस हमने बाकी रखा है ना, इस कलयुग में हम सिर्फ उसी को पूरा करने आए, रिलेशनशिप को, जॉब को, प्रोफेशंस को, जो भी चीजें हमारे एक्सपीरियंस
फिलिंग द ब्लैंक्स के जैसे छोटे छोटे जो रह गए हमें उसको ही पूरा करना है, समझ में कि नहीं। सो डोंट गेट स्टक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड डोंट बी स्टैग्नेंट, डोंट बी मोनोटोनस इन द लाइफ, दैट्स अ सिंपल थिंग, बिकॉज लाइफ इज अ विक्योर। हम रेनबो के जैसे जी सकते हैं, हम एक ही कलर की फ्रीक्वेंसी, एक ही चेतना से, एक ही एनर्जी के साथ अगर हम जीने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं अटकने वाला काम हो जाएगा, कहीं अटकना नहीं हमें, हमें कीप ऑन मूविंग। आपने गंगा का फ्लो सुना है कि नहीं, कैसा रहता है फ्लो, कैसा रहता है, राइट? 78% ऑफ योर बॉडी इज अ वॉटर, सो यू शुड कीप ऑन फ्लो, डोंट गेट स्टक एनीवेयर। आपका ब्लड अगर कहीं अटक जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? आपके किडनी में अगर स्टोन है और अगर आपका यूरिन बंद हो गया तो आपको इमरजेंसी ऑपरेशन करवाएंगे कि नहीं, इसे राइट कर रहा हूं। तो ये भी एक स्पिरिचुअल ब्लॉक है कि कहीं पे भी कुछ स्टक नहीं होना है, सीखना है, समझना है। और हमारे जो गुरु है ना, हम उनका अपमान नहीं कर रहे, हमें अपने गुरु ही है ना साइलेंटली हमें और कहीं पे भेज रहे, जैसे हम अपने माँ बाप है ना बच्चों को अलग अलग स्कूल में भेजते, अलग अलग कॉलेज में भेजते, ट्यूशन क्लासेस में भेजते, इज इट राइट? ये साबित नहीं करते कि हम इनकम्पिटेबल हैं, हम ये सोचते हैं कि जितना ही मैंने पढ़ाई की इससे ज्यादा मेरा बच्चा और पढ़े तो और कहीं पे भेजते कि नहीं हम, एवर राइट कर रहा हूं? तो ये गुरु साइलेंटली हमें भेजते रहेंगे, और जो गुरु ये कहेंगे कि आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मेरे पास रहना है, तो इसका मतलब ही वॉन्ट्स टू गेट मेक यू स्टक समवेयर, तो डोंट गेट स्टक एनीवेयर। आपको करना क्या है, उनकी कॉन्शियसनेस में जो बेस्ट क्वालिटीज है ना वो लेनी है, अपनी लाइफ में उतारनी है और कीप ऑन मूव ऑन। फिर दूसरा कोई गुरु या दूसरी कोई आपको अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको और कुछ अच्छे स्पिरिचुअल एथिक्स मिलते हैं उसको आप अपना अंदर उतारना है आपको, इज इट राइट? हम जब मेडिकल साइंस में रहते हैं ना, हम कहते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, हम कभी ये नहीं कहते कि आप और कोई थेरेपी ट्राई करो, आयुर्वेदिक ट्राई करो, होम्योपैथी ट्राई करो, एक्यूप्रेशर ट्राई करो, नेचर क्योर ट्राई करो, हम मेडिकल साइंस में कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम फिक्स फ्रीक्वेंसी में, दिस इज द मेडिकल साइंस और इसने कहा, इसमें कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं, तो पेशेंट को बोलते इसका कोई इलाज नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। वो पेशेंट जब एक्सप्लोर करता है उसको कोई हर्ब्स मिल जाती है, कोई गुरु मिल जाते हैं, कोई अच्छी उनको एनर्जी मिल जाती है और वो ट्रीट हो, ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, इज इट राइट? So miracles can happen anytime, anywhere. You should be open-minded, you should be open-hearted. Is it right or wrong? तो कभी गेट बात करना भी मैंने इसको छोड़ के वहां गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। Keep on exploring. आपको एक खाना दिया, आपको अच्छा लगा, इसका मतलब नहीं 365 days वही खाना खाना है आपको, ऐसा थोड़ी है। Is it right? Soul को अगर oneness में आना है तो ये सारे experiences लेने पड़ेंगे, सारे एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे। और जैसे आप अलग अलग ये इमोशंस के सारे एक्सपीरियंस लेते हो, आप सोचो कितने कलर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते, कितने कलर्स के और आके। तो जब हम आपकी आभा मंडल की स्टडी करते हैं ना, तो हम आपको बोलते हैं कि आप में ये पिंक कलर ज्यादा है, आप में अभी येलो कलर ज्यादा है, तो इसको थोड़ा ट्रैंक्विलाइज करो, और आप में ये कलर कम है तो इसको स्टिम्युलेट करो, तो आपको थोड़ा स्टिम्युलेट करना पड़ता है। तो कुछ एक्टिव मेडिटेशन करनी है, कुछ पैसिव मेडिटेशन करनी है, कुछ आपकी एनर्जीज नौकार मंत्र से खुलेगी, कुछ भक्तामर से खुलेगी, कुछ ओम नमः शिवाय से खुलेगी, कुछ ओम गणपति से खुलेगी। ये सारी 72,000 नाड़ियां हमारे जो शरीर में है ना, उसको खोलने के लिए हमें ये बहुत सारी लाइफ मिली जाती है, और बहुत सारे गुरु हमारे लाइफ में आते हैं, इज इट राइट? इट्स अ सिलेबस। और जो इंसान अपनी नाड़ियां सब खोल लेता है 72,000, वो एनलाइटन हो जाता है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या? अब उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। हम पहले बाहर से प्रकाश लेते थे, तब हम सारी स्पिरिचुअल साधनाएं करते थे, अब हम अंदर से लाइट को बाहर निकालते तो एनलाइटन हो गए, इज इट क्लियर? और जब हम एनलाइटन होने के बाद अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो हम मोक्ष और निर्वाणा की तरफ लायक बनते हैं। मतलब हम इन्फेंट सोल से लेकर ट्रांसेंडेंटल सोल तक सिर्फ एनलाइटनमेंट के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं, और ट्रांसेंडेंटल सोल से लेके इनफाइनाइट सोल लेवल पे हम मोक्ष और निर्वाणा की तरफ अपनी तैयारी करते हैं। नाउ इट्स क्लियर टू यू, राइट? इट्स अ डिफरेंट साइंस, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। मैंने अभी से तक 140 अलग अलग गुरुओं को मिला हूं, उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गया हूं, उनके फॉलोअर्स की ऑरा स्टडी की, उनकी पैटर्नों की स्टडी की, और मुझे एक चीज समझ में आई कि जितनी भी हम अलग अलग ऑरा की स्टडी करते हैं, हमें सब
के इफेक्ट्स पता चलते हैं, सबके इफेक्ट पता चलते हैं, और वो जो इफेक्ट जो है ना ये बताता है कि अभी हमारा कौन सा दौर चल रहा है, अभी हम कितने हैप्पीनेस में हैं, कितने हम लोग एंजाइटी में हैं, कितने डिप्रेशन में हैं, ये सारी इस इफेक्ट की स्टडी होती है करके। जैसे आप ब्लड का कितना 2 ml आपसे निकालते हैं आपके बॉडी में से, और उस 2 ml के ब्लड से हम ये बताते हैं शुगर लेवल कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, इलेक्ट्रोलाइट कितना है, प्रोटीन कितना है, इज इट राइट? क्या आपको पूरा 4.5 liter ब्लड निकालते हैं, इतना ही तो निकालते कि नहीं, इज इट राइट? तो सिर्फ एक ऑरा की जो हम स्टडी करते हैं, फोटो आपका निकालते हैं, और उस फोटो को जब हम फोटॉन्स में डेवलप करते हैं, ऑरा में डेवलप करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितनी नाड़ियां खुल चुकी है और कितनी नाड़ियां अभी भी बंद है, और जो बंद है उसको कैसे खोलना है। कभी डायनेमिक मेडिटेशन से खोलना पड़ेगा, कभी कुंडलिनी मेडिटेशन से खोलना होगा, कभी राजयोग से खोलना होगा, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस से गो थ्रू करना है। यू कैनॉट बी मोनोटोनस इन योर लाइफ, अदरवाइज अगेन यू आर अटैच्ड, एंड इफ यू आर अटैच्ड टू एनीथिंग अगेन यू आर स्टक समवेयर, देयर इज नो राइज इन योर कॉन्शियसनेस, यू कैनॉट प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। ये मैं आपको 100% कह सकता हूं, समझ में कि नहीं? लेकिन एक ही टाइम में पूरा उतर जाओ, पूरा डूब जाओ उसमें, अगर आप जैनिज्म में हो ना, पूरा जैनिज्म में अच्छे से उतर जाओ और एंड तक का उसके एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप विपश्यना कर रहे हो तो पूरा विपश्यना में डूब जाओ, समझ में आ रहा कि नहीं? जब आप पूरे नीचे तक डूब जाओगे ना, आपको उसका बेस पता चलेगा, उसका सार पता चलेगा, उसका एक्सपीरियंस होगा, आप बाहर आ जाओ और फिर दूसरे सिलेबस के लिए तैयार हो जाओ, इज इट राइट? तो कभी कभी हम इंटीग्रेशन भी करते हैं, वो भी चलता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है कि सुबह मैंने थोड़ा राजयोग कर लिया, दोपहर में थोड़ा सुदर्शन क्रिया कर लिया, शाम को डायनेमिक कर लिया, तो कोई गुरु एक दूसरे से लड़ने नहीं वाले, इज इट राइट? ओशो ये नहीं कहेंगे मेरा डायनेमिक शाम को क्यों किया, सुबह को क्यों नहीं किया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, इज इट राइट? ये सब हम लोग जो इफेक्ट है इसकी हमें स्टडी करनी है, और इफेक्ट स्टडी करने के बाद वापस हम अपनी ऑरा को सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, वापस हम उसी सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में आएंगे। ये जितने भी तीर्थंकर थे, महावीर थे, ये पहले खुद क्षत्रिय थे, खुद पहले शिव जी को मानते थे, खुद पहले कोई ऐसे जैनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लेके आया, हमने उसको एक रिलीजन बना दिया, इज इट राइट? समझने के लिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपने अंदर उतारो, ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको उतारने के बाद आपका एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सिर्फ उसको मैकेनिकली मत करो, टेक्निकली मत करो, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करो, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, इज इट राइट? सिर्फ ये मत बोलो मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने समय शिखर की यात्रा की, मैंने वो की, हर प्रोसीजर के बाद अपने आप को पूछो, अब मेरा गुस्सा कितना कम हुआ, अब मेरा डर कितना कम हुआ, अब मेरी डिजायर्स कितनी डाइल्यूट हो गई, कितनी कम हो गई, अपने आप से हर मोमेंट में अपने आप से ये क्वेश्चन करो, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया इसका मतलब आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो वो प्रोसीजर का फायदा क्या है, राइट? आप क्यों कर रहे हो ये सब प्रोसीजर, मुझे बताओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग क्यों कर रहे हो, कुछ परिवर्तन लाने के लिए तो कर रहे हो कि नहीं, इज इट राइट? तो जो वननेस की जो थियरी है, वननेस की थियरी में कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, हर चीज का अनुभव लेना होता है। धर्म की थियरी में होता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, स्कूल में होता है कि ये टाई पहनना है, ये यूनिफॉर्म पहनना है, समझ में कि नहीं? कॉलेज में जाने के बाद कोई टाई यूनिफॉर्म नहीं होती है, वहां पे फ्रीडम होती है। तो रिलीजियस का सिलेबस अलग है, स्पिरिचुअलिटी का सिलेबस अलग है, तो हमारे पास 4 चीजें हैं, पहला है रिलीजियस, फिर है स्पिरिचुअल, फिर है साइंटिफिक, और फिर है वननेस, इज इट राइट? तो ये अभी हम 3rd syllabus को आज कर रहे हैं, साइंटिफिक को कर रहे हैं, हम किसी रिलीजन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी स्पिरिचुअलिटी के गुरु को यहां पे रख के कुछ प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, हम वननेस के लिए एक साइंस समझ रहे हैं कि भाई अगर मुझे अल्टीमेट वननेस पे आना है तो मुझे किस तरह से इन सब चीज का एक्सपीरियंस लेना है, इज इट राइट? और जब आपने ये सभी चीजों का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद अब अपनी ऑरा, कॉन्शियस ऑरा की स्टडी करो कि अब आपका कॉन्शियस ऑरा कैसा है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर आप अपने सबकॉन्शियस की बिफोर एंड आफ्टर की स्टडी करो कि कोई भी प्रोसीजर के बाद में अब आप कौन से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आपकी लाइफ कैसी है,
तो आपकी स्टडी कहां पे है? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तीन है, बिफोर फास्टिंग, ड्यूरिंग फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग. बिफोर नौकर मंत्र, ड्यूरिंग यू आर चैंटिंग द नौकर मंत्र, आफ्टर चैंटिंग द नौकर मंत्र, इज इट राइट? बिफोर यू आर गोइंग टू सम पिलग्रिमेज, कोई यात्रा पे गए, उस जब यात्रा पे जा रहे हो तब आपका ऑरा कैसा है, अब जब यात्रा खत्म हो गई फिर आपका ऑरा कैसा है. तो हम लोग क्या करते हैं, ये हर बार बिफोर एंड आफ्टर की, ड्यूरिंग की स्टडी करते हैं, ये सब हमारा ये ऑरा की स्टडी है. तो हमें पता चलता है कि फूड है या इंसान है उसकी क्या इफेक्ट है, ऑरा की बिफोर एंड आफ्टर क्यों है. बिकॉज हम कितना भी कहें कि हम आत्मा के ज्ञान में रहना चाहते हैं, लेकिन आप शरीर को तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते हो. योर बॉडी इज योर टेम्पल. आप नहीं बोल सकते बस मैं तो 24 घंटा आत्मा में रहना चाहता हूं, मेरा शरीर अलग है. नो डाउट शरीर अलग है, आप आत्मा की चेतना में रह सकते हो, लेकिन सेम टाइम आपको आपकी बॉडी की फिटनेस रखनी पड़ेगी. यू हैव टू बी फिट विद योर बॉडी, इज राइट? और फिटनेस के लिए आपको अपने सारे लाइफस्टाइल की, आपको फूड की, लाइफस्टाइल की, हर एक की आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि आपका कोई एडिक्शन, आपकी कोई थॉट पैटर्न, आपके कोई जो भी गलत सोच है, ये आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, आपके मंदिर को पॉल्यूट तो नहीं कर रहे. परमात्मा उसी के मंदिर में रहेगा जिसका अंदर का जिसका मंदिर शुद्ध होगा, इज इट राइट? तो ये टेम्पल को जब हम शुद्ध करेंगे, हमारे साथ जो भी एनर्जी कनेक्टेड है उस सारे एनर्जी से हमको क्लियरेंस करना है करके, क्योंकि जो भी आप खाओगे पियोगे उसका आभा मंडल कहीं ना कहीं आपको लो फ्रीक्वेंसी में लेके जाएगा, रेड ब्राउन ब्लैक कलर के ऑरा में ले जाएगा. आपको रहना कौन से कलर में? ग्रीन, स्काई ब्लू कलर, इंडिगो कलर, पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर एंड गोल्डन येलो, ये 5-6 फ्रीक्वेंसी में आपको रहना है, लो फ्रीक्वेंसी के ऑरा में आपको नहीं रहना है. इज इट क्लियर और नॉट? राइट? तो कोई फियर के साथ आप धर्म को मत करो, मैं तो एक चीज कहता हूं, फ्रीडम के साथ करो. गिल्ट के साथ मत करो, अरे आज मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, वो गिल्ट आपकी किडनी को खराब करेगा, इज इट राइट? आपको लो फ्रीक्वेंसी पे लेके आएगा. जब जितना होता है उतना करो, जब नहीं होता है तो सोच लो ठीक है नेक्स्ट टाइम 100% मैं इसको करूंगी करके, डोंट गो इन दैट गिल्ट कॉन्शियस, इज इट राइट? और कि फियर के साथ मत करो, अरे मैंने ये नहीं किया इसका मतलब मैं कितना पापी हूं, मैंने कैसे कर्म किए रह गए, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं वहां नहीं जा पाई, दूसरे लोग जा पाए, ऐसा मत सोचो. एवरीथिंग इज परफेक्टली सेट इन द यूनिवर्स, इज इट राइट? कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचो. वो मोमेंट आ गया जब आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद कभी मत सोचना. मुझे यहां तक पहुंचना था तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग की कि मैं इंडिया से दिल्ली गया, वाया फ्लाइट पकड़ के न्यू जर्सी आया, वहां से कैलिफोर्निया आया, वहां से मैं यहां तक आया, मैंने बहुत प्लानिंग की. एक बार यहां आ गया ना, उसके बाद मुझे कुछ सोचना नहीं है, बस, इज इट राइट? नाउ आई एम सरेंडर टू माई गॉड, आई एम सरेंडर टू द गुरु, इज इट राइट? सो वंस यू सरेंडर योर आभा मंडल, योर ऑरा विल गेट एक्सपांडेड एंड इट विल गेट कनेक्टेड विद ऑल द डिवाइन एनर्जीज. ये बहुत अच्छा है कि आपको ज्यादा किस पे रहना है, गुरु की ऑरा में रहना है, डिवाइन गाइडेंस पे रहना है, ताकि आप कहीं पे भी कुछ गलती करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे मेरा आहार विहार विचार व्यवहार गलत है, आपको समझ में आएगा, इज इट राइट? विदाउट वाईफाई, देखो अभी ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है, अगर वाईफाई नहीं होता तो लाइव चल सकता था? चल सकता था? नहीं चल सकता था. आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो कोई मैसेजेस आपको आ सकते हैं, रिसीव हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं, नहीं जा सकते. तो ये वाईफाई का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, और जब ये आपको वाईफाई का कनेक्शन ऊपर से मिलता है, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड, दैट इज कॉल्ड योर हायर सेल्फ. तो मेन फिलोसॉफी जैनिज्म की क्या है? बी विथ योर हायर सेल्फ, बी विथ योर प्योर कॉन्शियसनेस, बी विथ योर प्योर हार्ट, इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन इंप्योरिटी का भी एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप यहां पे आए हो, ह्यूमन बॉडी मिली है, तो इंप्योरिटी का भी आपको एक्सपीरियंस लेना है और फिर तुरंत बाहर निकलना है. उस इंप्योरिटी में ज्यादा समय नहीं रहना है आपको, इज इट राइट? जब तक आप बॉडी कॉन्शियस हो तो आप बॉडी के लेवल पे सब कुछ चीजें करो. जैसे आपकी कॉन्शियसनेस मैच्योर सोल लेवल से ऊपर चली गई है, अब आप सिर्फ उसको सिर्फ एस्ट्रली कर सकते हो, आपको उसको फिजिकली करने की जरूरत ही नहीं है,
Is it right or not? So this is the beautiful science what we have understood today. I think so. If koi question hai to aap pooch sakte ho before I end the topic. Yes. That when you change your aura, then you attract certain kind of people. Can you expand on that? Yeah, yeah. See, it's very simple. When you change the aura, now you are in a different world. Now you are with different people. Like when I was doing a medical practice, always there are patients in my clinic from cough, cold to cancer. I left my medical practice. Now in my premises, in my all spiritual centers, I meet all people like you who are very curious to learn about the spirituality. So I didn't change you, I changed myself, I changed my aura. Is it right? If I was a medical practitioner, I was attracting the patient. Now I am doing the research on spirituality, I am attracting people like you. It's very simple, right? If you are fed up with the people around you, means it's the time for you to change your aura. आप किसी से भी परेशान हो गए हो तो आप समझ लो कि ये मेरा ही अट्रैक्शन है, ये मेरी क्वांटम नेगेटिव पार्टिकल है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसको वैसे ही कंटिन्यू कर रही है. Is right. जब तक मेरे अंदर कुछ दारू पीने की इच्छा है, मैं कहीं ना कहीं उस बॉटल को भी ढूंढ लूंगा, उस पीने वाले को भी ढूंढ लूंगा. जब मैंने एक बार सोच लिया कि मुझे पीने से कोई फायदा तो होता ही नहीं है, आई एम हैप्पी नाउ, आई कैन लेफ्ट, आई कैन क्विट इट, तो अब मुझे वो लोग भी नहीं मिलेंगे और वो बॉटल भी नहीं दिखेगी. समझ में? यू हैव टू चेंज योर इनर वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर इनर एनर्जी, यू हैव टू चेंज योर इनर कॉन्शियसनेस. एंड वेन यू चेंज द इनर वर्ल्ड, द आउटर वर्ल्ड विल चेंज. इसलिए बुद्धा ने कहा है कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी. कहा है कि नहीं? तो महावीर ने भी यही कहा है. लेकिन कैसा है, ये लोग ने अलग अलग तरीके से कहा. 360 डिग्री एंगल्स, हर एक ने अच्छे अच्छे एंगल्स से, डायमेंशन से अभी कुछ समझाया है. आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर दोज एंगल्स, बट आई एम ट्राइंग टू से वी आर सो ब्लेस्ड पीपल इन द होल यूनिवर्स दैट वी हैव गॉट सो मेनी गुड गॉड एंड गॉडेसेस एंड गुरुज एंड वी आर actually what we say, we have the knowledge of them. There are so many people who have no knowledge about these different god goddesses. They don't know what are gurus, what are tirthankars, what are gnanis, or what are masters. They don't know. Is it right? So we are so much lucky and we are very close to them, so we can definitely change our aura, right? Don't you think we can change? Yes. Vastu aura. Vastu aura means we are made up of the five elements. Do you agree? Earth, water, fire, air, ether. If there is any impure element inside your body, you attract the negative vastu. You attract the negative entrance, you attract the negative toilet, bathrooms in your house, and then you get affected. So vastu consultant people, they see that this is in the wrong position, and because of that you are getting harassment, you are getting the issues. But when you clear your internal aura, internal vastu energy, now the external, even though if it is wrong, it is not going to affect you. ये बहुत clear है. आपको मांगलिक दोष कहा किसी astrologer ने कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है. अब आपने अपने मंगल के दोष से बाहर आ गए, आप अपने मंगल की फ्रीक्वेंसी से आप बाहर आ गए हो, आप अपने रूट चक्र को आपने हील कर दिया है, तो वो मंगल गुरु आपको, ये मास आपको परेशान नहीं करने वाला है. कोई प्लैनेट आपको परेशान नहीं कर सकता है. इफ यू आर इनटू योर सोल कॉन्शियसनेस, नो बडी कैन हार्म यू, नो स्पिरिट कैन हार्म यू, नो वास्तु कैन हार्म यू, नो प्लैनेट कैन हार्म यू, इफ यू आर इनटू दैट सोल कॉन्शियसनेस. बट इफ यू हैव दैट बिलीफ सिस्टम, इफ यू आर इन द फियर फैक्टर, डेफिनेटली दोज थिंग्स आर गोइंग टू हार्म यू. है ना? अगर आपके दिमाग में वो चीज है तो आपको तकलीफ होने वाली है. इज इट राइट? फिर आपको लगेगा ये अमावस का दिन है, आज मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आज ये ग्रहण का दिन है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था. दिस इज द फियर इनसाइड यू. यू आर आउट ऑफ द एनर्जी, मींस यू आर इन योर सोल कॉन्शियसनेस. नाउ नथिंग कैन अफेक्ट यू. इज इट ओके? यस, यू वांटेड टू आस्क समथिंग. या, यू टॉक अबाउट द डिटैचमेंट. या, ये ज्यादा अच्छे से चलेगी. देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछा है. अभी मेरी बायोलॉजिकल फैमिली भी है, मेरे 2.5-3 लाख स्टूडेंट भी हैं, लेकिन मैं डिटैचमेंट के साथ रहता हूं, तो मैं अपनी फैमिली को भी 100% दे पा रहा हूं, एनर्जी फॉर्म में, कॉन्शियसनेस फॉर्म में.
अदरवाइज मुझे फिजिकल फॉर्म में रहना पड़ता था तो फिर मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था फील्ड को. इज इट राइट? मैं अलग अलग जगहों पर ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे आप जैसे अलग अलग लोग मिलते हैं तो मैं अच्छे से आपको अटेंड कर पा रहा हूँ, इनवाइट कर पा रहा हूँ. अगर मेरे अपने ही कुछ पुराने फॉलोअर्स रहते हैं और मैं उनके साथ ही कनेक्ट रहूंगा तो मैं आप जैसे नए लोगों को अटेंड ही नहीं कर पाऊंगा. तो डिटैचमेंट का मतलब नहीं है कि आप उनसे दूर हो जाओ, डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अफेक्ट नहीं होना है उनसे, उनके अप्स एंड डाउन में आपको अप्स एंड डाउन नहीं होना है और आपके अपने अप्स एंड डाउन में उनको आपको परेशान नहीं करना है. दैट इज डिटैचमेंट. आप उनको 24/7 ब्लेस करो. यस, 24/7 आप उनको ब्लेस करो लेकिन अफेक्ट नहीं होना है, उसके लिए एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी, उनके लिए फियर क्रिएट नहीं करना है. बिकॉज देयर इज अ साइंस ऑफ स्पेस जिसको स्पिरिचुअलिटी पूरा कर सकता है. अगर आप किसी को स्पेस नहीं दोगे तो वो ग्रो करेगा? मुझे बताओ, यहां जो भगवान की मूर्तियां भी हैं तीर्थंकरों की इस देरासर में, तो जब आप पूजा के कपड़े पहनते हो तब आप टच कर सकते हो. जब आप ये नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आपको स्पेस मेंटेन करना पड़ता है. इसे समझ में कि नहीं? तो हमें भी क्या है, यही सोचना है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, वो पवित्र आत्मा है और मुझे स्पेस मेंटेन करनी है, मुझे इंटरफियर नहीं करना है. वो कुछ गलत अगर सोच लेके चल रहे हैं या गलत कुछ उनकी एक्शंस है तो आप उनको सुपर कॉन्शियस माइंड से ब्लेस करो, कॉन्शियस माइंड से रोक टोक मत करो, ताने मत मारो, टोका मत करो, रोका मत करो. तो फिर क्या है, वो टॉर्चरिंग होगा उनके लिए एंड दे विल गो अवे फ्रॉम यू. यस, हाउ अबाउट द हैप्पीनेस, लाइक यू गिव हैप्पीनेस टू योर फैमिली. या व्हेनेवर यू फील लाइक डिटैच्ड, सो मे बी दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक यू बिकमिंग अ सेल्फिश. नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बिलीफ सिस्टम है, ये मिथ है. मुझे ये बताओ, ये जितने भी 24 तीर्थंकर है, ये जब डिटैच हुए तो आज तक भी वो हमें हैप्पीनेस दे रहे हैं? बस मैं यही कह रहा हूं, आपको दृष्टि भी तो ऊपर ही रखनी है ना. कब तक आप लोगों की दृष्टियों से चलोगे? आपके पास दो ही चॉइस है, या मैंने शुरू में ही कहा, या तो 99% की कैटेगरी में रहो या 1% की कैटेगरी में रहो. समझ में कि नहीं? 99% में क्या होता है, हम लोग बॉडी प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और 1% में क्या होता है, हम उनसे डिटैच रहते हैं लेकिन 100% हम उनके लिए ब्लेस, उनको ब्लेस करते रहते हैं 24/7. जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें जो गलतियां हमने की है ना, सिर्फ ये देखना है कि हम दोहरा तो नहीं रहे, रिपीट तो नहीं कर रहे. ये सेल्फ रियलाइजेशन जाति स्मरण में यही कहता हूं, या तो आप उसको प्रोसीजर भी कर सकते हो, जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोसीजर भी करते हैं. अगर आप खुद ही अपने हिसाब से नहीं जा सकते तो कोई थेरेपिस्ट होता है, उसको भी हम कहते हैं सोल डॉक्टर, उसको भी हम कहते हैं सोल सर्जरी. उसको कहते हैं कि हम उस ऑरा में जाते हैं, सोल की ऑरा में जाते हैं और देखते हैं कि पिछले कौन से जन्म में कुछ अधूरे कमिटमेंट्स रखे हैं, कुछ कर्म हम अधूरे छोड़ के आए, कुछ अनहील पार्ट है, और उसको हम पूरा करके हम प्रेजेंट में और भी अच्छे से जी सकते हैं. जैसे बच्चों की प्रीलिम एग्जाम होती है ना, उसके अगर मिस्टेक्स करेक्ट करोगे तो मेन बोर्ड एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं करेगा, लेकिन अगर वो रिव्यू नहीं करेगा कि पहले मैंने इतनी गलतियां की है तो मेन एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी वही गलतियां करेगा, तो फायदा क्या है? तो ये तो ऊपर की चीजें हैं, लाइक यू बीइंग अ डॉक्टर, लाइक यू मींस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट, लाइक लुकिंग एट द पास्ट लाइफ. राइट, ओके. मैंने तो अपनी 128 पास्ट लाइफ देखी है, लेकिन जिन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ देखी है उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि कुछ गलतियों को तो हम दोहराते हैं और ये मिस्टेक्स कंटिन्यू करने की वजह से हम प्रोग्रेस ही नहीं हो रहे, है ना. मतलब वही डोमिनेशन, वही फियर, वही एंजाइटी पहले भी हमें थी, पहले भी अटैचमेंट था, अभी भी अटैचमेंट है, तो फायदा क्या है, तो प्रोग्रेस कैसे होगा ऐसा? यस, सो एम आई रिपीटिंग द मिस्टेक्स? या आई शेयर माय ओन एक्सपीरियंस. या श्योर श्योर. सो आई एम प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. एक्सीलेंट. साक्षी भाव इज अ वीक. साक्षी भाव, एक्सीलेंट. So when I'm being a witness of my own emotions, yeah, maybe I can detach from. Exactly, exactly. Perfect. Now the challenge is, yeah, it's one thing to realize that I need to detach. Yeah. But there is an energy field that I created from my actions. Yes.
or this time in the past life, it's one thing to realize I need to do that, but can I actually do that? It's easier thinking than actually implementing. Mm. So when I think that I need to shift my aura, but it's difficult to do, so what can I do about it? So it's very easy. In day-to-day routine, whatever you are doing, digitally you have to shift yourself. Like your food habits, your actions, whatever, little, digitally you have to just shift it. And you have to sense, you have to be sensitive to your aura. First get detached with others' aura, then you will be sensitive to your aura. That is the main sense. Jab tak dusre ke aura ke saath hi ulje rahenge, hum apne aura ko kab samjhenge? Right? Yes. About the aura, right? Yeah. If I have fear about something, or if I'm attached to something, then I'm attracting that energy. Exactly. But energy can be so strong, it just takes me. Just exactly. So you need to dilute it, you cannot delete it. You need to dilute it very digitally. So it's a slow progress, but it's a permanent progress. Right? All of a sudden you cannot shift your aura. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आज आप देखो कि कल मुझे इतना असर हो रहा था, आज थोड़ा असर कम हो गया, परसों मुझे और भी ज्यादा हो रहा था, अब मुझे उसका असर कम हो रहा है. सो दैट इज द शिफ्ट एंड दैट इज यू हैव टू माइन्यूटली ऑब्जर्व. सी ऑल दिस टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो हेल्प यू इफ आई डू योर ऑरा, बट इवन एट द सेम टाइम यू शुड बी वेरी सेंसिटाइज टू योर ऑरा. अगर हम अपना ही ऑरा को नहीं समझेंगे तो फिर हमारी लाइफ का फिर मकसद रहा ही क्या? Then just we are living the life, but we are not improving the life. Right? That is the main thing. Yes? I have a question. So, with the past life, does it fast forward to the next life, the original consciousness and the energy? Yeah. And if so, yes. And the belief system. Huh. So, if the baby has come with some consciousness, some aura, and some belief system. Yes. How it's so hard to change it because it's already fundamentally there. Yes, yes. That's why we need to go from alpha state to theta state, delta state. In delta state, you will come to know what was the past which is unwanted. Come to the theta state, do the reprogramming, reframing, and again come back to the alpha state where your body is going to function with your hormonal activity, with your organs and the system. So that frequency has to be changed. So, next to that, my second question is that, so we do understand, I have read about this, and I also practice mindful practice. But what happens, all these things requires time. Exactly. So concentration. When you have to go to work at 7:30. I know. So, that's why we always advise to go to some spiritual retreats. It's like a soul hospital where you are doing a complete realization process. You go for 3 days, you go for 5 days, you go for 10 days, and you just be with yourself for those couple of hours, couple of days, and you see what things can be changed. In your day-to-day life, it's very hard to change yourself. Even myself, I have conducted, organized more than 175 retreats in last 25 years. But in every retreat, I get some transformation. Otherwise, rest of the time, I am with my family, with my people around. There is no self-realization. There is no transformation. So you need to spend the time. You are spending the time just for your body relaxation, for your pleasure, for your happiness, but not for transformation, not for your soul consciousness. So this question was asked to me. Yeah. So what happens if there is no transformation? Because Christianity believes in only one life. It means that we are stuck. Then there is no soul progress. You will get rebirth just with the same soul. I believe in that. This is the question was asked to me. Okay. Because they believe in one life. Yeah. And that's a reason. So that's the purpose. My purpose is to live happily. My purpose is to laugh. Enjoy the life. Yes, yes. And that's that. Right. So how do you respond to that? No, I said, you know, everyone has come with certain belief and we have to respect those belief. Is it right? If those people have come with that belief, let them continue with their syllabus. It's nothing wrong. We cannot compare and we cannot
give any judgmental statement for anything, then it will be very wrong. If any orthopedic doctor is say, "Arey, see, because I am orthopedic, I can do all this emergency accidental surgery. This ophthalmologist he cannot do." But it's not that way. Even that ophthalmologist has his own role. Can I answer to that? Yeah. Because they are in that same school. So yeah, yeah. Those friends, where we are going in the university, so we are learning much more than they are learning in the school. So their belief. Exactly. I mean, this is what I. Yeah. My thing is, how do you respond? No. See, we have to give space and we have to respect them, because with whatever mindset they have come, whatever belief they have come, we have to respect it. That way. Right? Yes. So, when I'm cultivating awareness in my own thoughts, then I realize what is behind my fear. Exactly. Why I cannot let go some grudge, right, for example. Right. And then I realize that if I want to do that, yes, I have to surrender myself, yes, to that big energy field. Exactly. That has to pass through me. Right. And again, it's so difficult to do, actually. And so what do you do about it? See, I tell you one thing. Even though, see, first of all, never use the word difficult or impossible in your day-to-day life for anything. Second thing, this is not an end. We have so many more opportunities. We have so many more lives. So what was difficult in our childhood days, now we are able to do very easily in this age. Is it right? So if you say to any 5 years, 10 years, 7 years child, please drive the car, he says, "Oh, it's so difficult, I cannot drive." But now you're driving the car so easily. Is it right? So let the time come. Don't anchor with this type of words. It's difficult, it's impossible, I don't think it can be done, it can be executed. Means you're putting a lock on this improvement. That's what I mean to say. So I'm not resisting. Yeah, very nice. Resisting. Yes, yes. To let it pass. Exactly. Let it witness it. And if things are very dark, there are negative, experience this and come out of it. Don't be feel guilt or why I'm in this situation and why these things are happening with me. Experience might be this syllabus is pending for you in this life. So go through it. And also I think when I did the retreat, I just did retreat in Rishikesh. And I know that the healers, there were some therapists, they did the healing on me. And that's how they will help you to heal. Like whatever you're resisting, they come into your aura inside and they help you heal. I mean, this is what my personal. Yeah. Recently she came to Rishikesh in our retreat. See, and she had gone. Tomorrow, so. Yeah, and she had gone through so many past lives also. Regression. Yeah. So, one more thing. Yes. I believe in his forgiveness. Very nice. Forgiveness is a big part. Very big, very big. Shamapna. Yeah, Shamapna. So, and, but same thing, like for example, let's say something has happened with some person in the past. Right. That has left an imprint. Exactly. Some kind of fear. Fear. And so if I want to let go, I have to face that fear. Yes. And I want to do that, but again, it's easier said than done. Yeah. And so what you're saying is just go through the process the best that you're able, and just the awareness should help over time. Exactly. See, one thing keep in your mind, you are here to experience something and you are here to give experience to someone. So that is a divine phenomena. It's in the soul plan. So don't feel bad about it. Don't try to kill that phenomena. Try to just witness that phenomena. We cannot be good for everyone in the life. We are bad in someone's story. Is it right? Few people are bad in our story. That doesn't mean you should hate them, you should take some revenge attitude, or you should forcefully just forgive. No, I forgive him, I forgive him. Don't do that. Just take it very lightly, very easily. Oh, God has sent me to punish this person. Oh, God has sent him to punish me also. Oh, let me accept it. The moment you accept it,
the forgiveness happens by its own. Okay, so whatever thoughts, emotions, fear, anxiety, worry that I might have, just accept it. Accept it. Let it be. Yes. You will say, my physician is so good, since 20 years, he just gave me the medicine, tablets, capsules. Now this surgeon, in one shot, he just cut my body. He is so cruel person. He is so rude. But he is doing his duty. Because physician couldn't handle you this time, he handed over you to the surgeon. So that person is not bad. He is doing his duty. So never feel, because there is a religious belief inside, ki this is paap, this is punya, this is good, this is bad. So there is regret, there is a guilt. But if you understand this is a stage and this is the role you have been given, understand the role, play that role very well, but don't be attached with that role, good or bad. So I just one more thing, because that's what we learn in retreat, psychic surgery. So you can do your own psychic surgery. Yeah. So like you were saying, the fear, we can remove our own stuff. So there are so many spiritual therapies I had seen that really they work so well. It's very easy for us to remove it, not to wait for a number of years to remove it. In one or two psychic surgeries, we could do it. So this therapies we need to search, we need to Google it out. How can I remove so fast? I want to enhance myself. I want to evolve very soon. Right? So there are so many things there. Yes? I have a few questions. Yeah. What are the affirmations? Do you believe in affirmations? See, affirmations are like mantras. And in Western country like you people, you definitely get benefited with these affirmations and mantras, because you are more into your alpha state or you are more into your delta state. Is it right? Not delta, but beta or alpha state you are there. So when you continuously chant a mantra or chant affirmation, you go into theta state, you reprogram yourself. And that is the best thing. But beyond affirmation, beyond mantra, there is called a delta frequency. That frequency is either of symbol or silence. So that can be also done. So I have a scientific... Then you... That's the level I am at this time. Right. Now, when you give us so much information, right, how would you find out, oh, I need to change? You did not change. You need to add on. I need to transform more. Oh. How do you evaluate yourself for that? It's very simple. No doubt your guru has brought you to this stage. He has brought you to this platform. With his grace, with his blessing, today you are here. Means nothing that he has not given you. He said, like we as a physician, we hand over the patient to gynecologist, we hand over the patient to orthopedic. Means it's only the way you are sending them. Is it right? So definitely they are helping us. But at the same time, you need to add on something in your life so that you progress very fast. That is very important thing. That's my third question. Yeah. Definitely. You can go through our website saikarunamission.org, or you can go through the YouTube channel Sai Karuna Mission or Dr. Udesha. You will find thousands of talks, all the spiritual talks. So many talks are there, because we have team of 1200 people across the world, and those people are doing fantastic research. They are from the Vastu side, they are from the astrology, they are medical doctors, they are housewife, and definitely they are religious people, they are spiritual people, and everyone is doing best in their life. So how do you find someone for yourself? I don't find someone. I know the destiny has designed something, and according to my evolution, I attract people like you. And then if you are thirsty of research, if you are thirsty of your evolution, you will go ahead in this organization. But if you think, no, I am wherever I am, I am okay, then definitely this will be the full stop for you. So, if there is an energy
Exactly. So you have to come out of recession energy. You have to come out of all this rights energy. You have to come up of all this collective unconsciousness, negative energy. And for that, all this religion, guru, god, goddesses, tirthankar, everywhere they are there, but we need to get connect with those energies. And if you get connected and if you practice it, definitely you will progress it. So do you think we all who are here, we can make a group of our own? Always. Share some information with spiritual. Because everyone is spiritual over here and everyone is evolved and you can take help of each other. And everyone is guru, I will tell you, because everyone is here to teach you something. Many people are here silent, but their aura, their energy is actually shifting you. You are asking me the question, I am answering you. That is shifting you. Means through you, the universe is asking the question. Through me, the universe is answering the question. And through them, they are silently absorbing the transformation. Yes? Yes, you can ask them, because they, these people, they are regularly attending our all sessions. On the Zoom session. Because since the lockdown period has started, we have gone through more than 1370 new topics in spirituality on the Zoom session. So we have never stopped, even the lockdown has stopped, because we think that universe is delivering some new concept to us and we are trying to reach you people so that you can get good transformation. So there is no contradiction, because as I said, we are different from religious and spiritual people, we are scientific people. So it is nothing like a controversy, nothing that you are going to lose your guru or you are going to lose your path or you are going to get distracted, nothing like that. But you will be now very much more aware scientifically about whatever you are doing, the procedures. So there might be regular lectures or somebody that can join you on a periodic basis? Yeah, today also morning I gave in second inning house, adult care. It's regularly I am traveling, I'm giving the lecture, I put on Facebook, YouTube, and it's live streaming, so you can go through it. That's an ultimate. Or so the present moment. Yes. The lesson I learned from that is excellent. Don't make it like a reflection of the past. Right, right. Or don't make it a projection of the future. Exactly. Let it be. Yes. What it is. Perfect. And so if I want to relate that to what I learned today. Yeah. It's basically whatever is happening, just allow it to happen. Let the universe work on its own. And let my Right. Perfect. Now you will see that in this time, in this era, there are so many gurus who are diluting the religious concept, they are adding the spiritual concept. So many, right? Srimad Rajchandra, Dada Bhagwan, and so fantastic people they are. And they are diluting because they know that old syllabus we have covered in our past life. Now let us in this life live with some integration, with some easy way, not hardship, not going through some torturous process. Is it right? So you can go through all those gurus because they have already delivered so many good talks. I am just briefly explaining on the scientific aura level, but already they have experienced so many things.
Yes, see, aura is always fluctuating, but you have to experience it, those fluctuation, and come back in with your normal consciousness. Exactly, exactly. See, we have to do, that's why I said that this life is the life of many permutation and combination. So you need to shift your aura, you need to shift your energy, experience and come back. That's why you're here. Like school, they go through the history, then geography, then languages, then science, biology, chemistry, physics. They are shifting with a different subject. But again, when back they come to the home, they're into the playful mode. These kids. The same way we are there. It's a matter of learning and coming back to yourself. Come back to yourself. Because after learning, if you don't acknowledge yourself, then there is no transformation. You are just wasted your time. Self is nothing but us, the evolved part, the soul part, the soul consciousness, that where do I stand now? That's the self. Atma only, because in Atma, what we call, there is a Chetna, and Chetna is a soul software. So you need to upgrade your software, you need to update your software. Exactly. Same, same. That's why I said you that there is S1 and S2 concept in our life. S1 is be with yourself maximum time. S2 is go outside, see the different soul, but again come back to the S1 level. So that is beautiful, because the S2 is the outer reflection of your S1. So if I see the cockroach, means now the S1 is with some animal instinct, and that's why the cockroach is in front of me. So if I accept the cockroach, the S1 will never attract cockroach again. Is it right? So whatever is attracting you means that is S2. And just see that why S1 has attracted this S2 part. So if you spiritually work on yourself, the next moment the cockroach will be no more. Or if it is there, you're not going to get panic, you're not going to shout or jump. It will be already there. But your S1 has shifted. It is seeing this cockroach is also having a soul, and I salute this soul. It is a divine creation. Let me not get panic for it. So now it's a shift. Is it right? Yes, any more? So I hope everyone enjoyed. Thank you very much. So from tomorrow we are having the retreat. So if anyone wants some information about the retreat, we have good team members, Ajay Bhai, Mangla Ben, Anjana Ben and Neeta Ben. We all are going to stay for 3 days at the